हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है कुछ खास ही होने वाला है। आप लोगों का घर में अगर हॉब है, कोई भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, जैसे कि एक कुचिना का 60 सेंटीमीटर चिमनी वाला हॉब है, मतलब 60 सेंटीमीटर आपका घर में अगर चिमनी है तो उसके लिए 3 बर्नर आपको अगर यूज़ करना है तो ये वाला मॉडल ले सकते हैं। नाम है मावेला 3BT60 लग्जरी, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, मेन ये जो स्पार्किंग प्लग है, ठीक है, ये जो स्पार्किंग प्लग होता है तो ऑटो इग्निशन है, तो स्पार्किंग प्लग आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि स्पार्क नहीं हो रहा है। आप इस प्रकार से दबा रहे हैं कि लेकिन आपका स्पार्क हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जैसे कि इसमें हो रहा है, देखिए इस प्रकार से स्पार्क कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, इसमें भी देखिए, तो ये जैसा कंटिन्यूसली स्पार्क हो रहा है तो आपका घर में जो हॉब है उसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम है जो कि बेसिक प्रॉब्लम है। 2-3 कारण है जो कि हो सकता है, या तो जो आपका अगर बैटरी कनेक्टेड है, डीसी करंट है, बैटरी कनेक्टेड है, तो जहां पर भी आपने बैटरी ऑपरेटेड, मतलब बैटरी लगाया है, ठीक है, बैटरी को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपने बैटरी को लगाया है उस बैटरी को एक बार चेक कर लीजिए कि बैटरी आपका ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। बहुत अगर बहुत दिन से चल रहा है तो हो सकता है मे बी उसका बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया, फिर नया बैटरी चाहिए होगा, तो एक तो वो कारण होगा। अगर सेकंड कारण, अगर आपका अगर इलेक्ट्रिक हॉब है, इलेक्ट्रिक हॉब का जो सॉकेट होता है वो सॉकेट जहाँ पर भी आपने लगाए होंगे उस सॉकेट को एक बार चेक कर लीजिएगा, सही से उसको एक बार खोल के दोबारा उसे लगा के जो स्विच वगैरह है सब करंट को चेक कर लीजिएगा। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा और मेन जो कारण होता है, ये जो स्पार्किंग प्लग होता है ना, आप कुछ भी खाना यहाँ पर बनाते जब है, ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ गिरता है, तो गिरने की वजह से बहुत जब नया जब आप लाते हैं तो आप अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, लेकिन जब आप पुराना हो जाता है धीरे धीरे तो आप उसे साफ़ करना भूल जाते हैं, और साफ़ नहीं होने के वजह से धीरे धीरे क्या होता है, इसका ऊपर में जो देखिए सफ़ेद कलर का इसके ऊपर में, तो धीरे धीरे होता क्या है, इसका ऊपर में जो है मैला जम जाता है धीरे धीरे, और ये भीगा होने के वजह से आप इसको इस प्रकार से घुमाते हैं लेकिन इसमें स्पार्क होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें मैला जम जाता है, इसमें इसी वजह से इसमें स्पार्क नहीं हो जाता। तो आपको करना क्या है, इसको सही से अच्छे से घिसना है, अच्छा जो सूखा हुआ कपड़ा से अच्छे से इसको घिसना है, ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, स्पार्किंग प्लग को आपको खोलना है, तो खोलने के लिए आपको हॉब को खोलना पड़ेगा। तो हॉब कैसे खोला जाता है, कोई भी हॉब का उसका रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, और तो उसके लिए आपको वो वाला वीडियो देख लेना है, फिर कैसे इस हॉब को कैसे खोले, स्पार्किंग प्लग को कैसे खोले, और उसके बाद क्या होगा, उस स्पार्किंग प्लग को क्या जो खोल के एकदम जहाँ पर स्पार्किंग प्लग जहाँ पर लगाए होंगे, जनरेटर जहाँ पर लगाए है, ठीक है, इस साइड में होगा या दूसरा साइड में, तो अंदर में जो भी है जहाँ पर भी जनरेटर जहाँ पर स्पार्किंग प्लग का कनेक्शन रहता है, उस कनेक्शन में बहुत समय उसका कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है, क्योंकि वायर के साथ वो कनेक्टेड रहता है, तो वो वायर कट जाने की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन की वजह से, या फिर पानी घुसने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, बहुत पुराना होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो उसका जो है एक वायर कट जाता है, जिसके वजह से आपका ये स्पार्किंग प्लग सही से काम नहीं करता है। तो एकमात्र एक ही कारण है, उस स्पार्किंग प्लग इसी वजह से चला जाता है। तो स्पार्किंग प्लग आपको खोल लेना है, खोल के अच्छी तरह से जिस प्रकार आपको हमने बोला है उसी प्रकार से आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से सुखा लेना है, ड्राई करने के बाद आपको दोबारा उसे लगा के यूज़ करना है, देखिएगा आपका जो है हॉब का स्पार्किंग प्लग है इस प्रकार से स्पार्क करेगा और आप इजी से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी हॉब हो सकता है या फिर गैस स्टोव हो सकता है, जिसमें भी ऑटो इग्निशन वाला स्पार्किंग प्लग वाला सिस्टम दिया गया है सभी, ठीक है, तो फिर आपका अच्छे से काम करने लगेगा और स्पार्किंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा हॉब का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि स्पार्किंग प्लग को किस प्रकार से सही करना है, उसको ठीक करना है, तो फिर आपको माचिस जलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत टाइम आप लोग देखते हैं कि जो स्पार्किंग प्लग आप यूज़ कर रहे हैं ये इस प्रकार से हो रहा है ना, तो क्या होता है, क्या है, इस प्रकार से हो ही जा रहा है, आपका गैस निकलते जा रहा है लेकिन वहाँ पर आग नहीं पकड़ रहा है, तो इसका भी मेन कारण होता है। बहुत समय क्या होता है, ये जो स्पार्किंग प्लग है ये टेढ़ा हो जाता है, इस साइड में हो जाता है, उस साइड में हो जाता है, अंदर घुस जाता है, तो क्या हो, वो सही एकदम प्रॉपर इस जगह में, ये जो ऊपर है इसका ऊपर में नहीं लगने के वजह से इसका भी एक साइज होता है, एकदम ऊपर में ही लगेगा तभी जाके आग पकड़ेगा। अगर ये
नीचे होगा या ऊपर में चला जाएगा तो फिर वो आग जल्दी नहीं पकड़ेगा, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम आता है। तो इसका जो साइज है वो फायर कहाँ पर कर रहा है वो भी एक बहुत ही ये है, तो उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश जैसे कि देखिए, ये देखिए एक थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा सा हिल गया है। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, ये भी एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो फिर उस टाइम में स्पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत आता है। ठीक है, तो उसको ही सही करना है, तभी जाके आपका स्पार्किंग प्लग सही होगा और आप हाव अच्छे से यूज़ कर पाएंगे।